भागलपुर में पहली बार जब लॉकडाउन लगा तो लोगों को कुछ परेशानी हुई, लेकिन लॉकडाउन 2 से लेकर लॉकडाउन 4 में लोगों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद अनलॉक ने राहत दी, लेकिन अब पुनः सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया। इसके बावजूद कोरोना का कहर जारी है, लगातार सैनिटाइजेशन और पुलिस की रोक टोक भी जारी है, फिर भी कोरोना के संक्रमण रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, जो कि बड़ी चुनौती बनती जा रही है। भागलपुर में कोरोना का कहर इस कदर बढ़ता है कि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन लोग है कि अभी भी संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिले के तिलकामांझी चौक पर पुलिस की रोक टोक और कोरोना संक्रमण बचाव हेतु मास्क को लेकर चेकिंग चल रही है, लेकिन यहां पुलिस वाले बगैर ग्लव्स के ही नंगे हाथ जुर्माना की वसूली करने में जुटे हुए हैं। मालूम हो कि भागलपुर का शहरी क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो चुका है, उस बाबत सैनिटाइजेशन भी तेजी से हो रहा है। हालांकि कचहरी चौक पर कुछ पुलिस वाले वसूली की रकम को सैनिटाइज करते दिखे। संक्रमण के इस विकराल रूप से डॉक्टरों में दहशत का माहौल हो गया है। शहरी आबादी के बीच लगभग 100 से ज्यादा क्लिनिक बंद हो चुके हैं, जबकि पिछले लॉकडाउन 4 तक सरकारी आदेश से निजी क्लिनिक चालू थे, लेकिन लॉकडाउन 5 में भागलपुर में 1600 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या हो जाने पर अब डॉक्टरों का भी सब्र जवाब दे चुका है। IMA के पूर्व सचिव डॉक्टर अजय के माने तो अब उन्हें भी डर लगने लगा है। पिछले लॉकडाउन तक स्वयं से भी संस्था और समाज के दानवीर लोगों की जमात ने लोगों को बड़ी राहत दी थी। इस दौरान खास सामग्री बांटने के साथ फोटो सेशन का भी जबरदस्त बोलबाला था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब हर दर और हर घर कोरोना की कहर दिखने लगा है, ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी भी काम नहीं आ रही है। हाँ, पूरे डर लगने लगा है, इसमें कोई शक नहीं है, और ख़ास करके प्राइवेट डॉक्टरों को, इसीलिए कि यहाँ संसाधन की कमी है और जितना जिस तरह से चेंजिंग हरदम चाहिए PPE किट वगैरह वो पॉसिबल नहीं है, तो डॉक्टरों को डर लगने लगा है। और डॉक्टर तो बहुत सारे क्लिनिक बंद कर दिए हैं, कुछ क्लिनिक कोरोना संक्रमण होने के चलते बंद हुआ है और कुछ परहेज के रूप में बंद किए हैं कि हम